दोस्तों नागपुर अपने सीनिक ब्यूटी, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, ऑरेंज एंड वाइब्रेंट लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। इंडियन स्टेट महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है नागपुर, मुंबई एंड पुणे के बाद। नागपुर इज एवरी ट्रेवलर्स आइडियल वीकेंड डेस्टिनेशन फॉर इट्स ब्यूटी। यहाँ पे सिटी हाईवे स्काईलाइन से लेके सीनिक ब्यूटी, मेट्रो मल्टीप्लेक्स से लेके ऑरेंज हब, एयरपोर्ट से लेके एजुकेशन हब, बिजिएस्ट एयर ट्रैफिक से लेके डायमंड क्रॉसिंग तक, बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में बसा हुआ इंडिया का वन एंड ओनली सिटी है नागपुर। वेल गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू डू रियली नो अबाउट नागपुर सिटी? इफ यू थिंक नागपुर इज जस्ट अ फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी, तो मैं आपको बता दूं इससे भी काफी पॉपुलर है नागपुर शहर, जो आप नहीं जानते हैं। इस शहर से काफी सारे बातें जुड़ा हुआ है जो आप जान के शॉक्ड हो जाओगे। तो चलिए मेरे साथ वर्चुअल एक्सप्लोर करते हैं महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल एंड थर्ड बिगेस्ट सिटी नागपुर शहर को। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। नागपुर अपने कई करोड़ों से इतिहास के युग से आज तक भारत में अपना एक अलग ही परिचिति रखा है। नागपुर आज के दौर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप्ड, इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग, गुड कनेक्टिविटी के साथ एक मॉडर्न वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। नागपुर शहर का नाम पड़ा था यहाँ से गुजरने वाले नाग नदी से। नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों में आज भी नाग की वो साइन नजर आती है। नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे ज्यादा बड़ा शहर है एंड महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल भी है। महाराष्ट्र की विंटर सीजन असेंबली यहाँ पे ही ऑर्गेनाइज होती है। जियोग्राफिकली नागपुर बिल्कुल इंडिया के सेंट्रल में बसा हुआ है। इंडिया के 0 माइल मार्का स्टोन यहाँ पे ही मौजूद है। स्नैक्स एंड फूड में इंडिया में नागपुर को अलग तरीके से पहचाना जाता है। हल्दीराम जैसे फेमस फूड चेन नागपुर से ही बिलोंग करती है। दोस्तों क्या आपको पता है ब्रिटिश काल में बनाया गया था नागपुर आरबीआई को, और आज इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड यानी सबसे ज्यादा सोना नागपुर आरबीआई में ही जमा रखा जाता है। नागपुर बिकम द फर्स्ट सिटी टू हैव इलेक्ट्रिक मास ट्रांसपोर्टेशन। जी हाँ दोस्तों, नागपुर में देश का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट दिखे जाती है। दिस इंक्लूड टैक्सीज, बसेस, ई रिक्शा, ऑटोस एटसेट्रा, एंड इट्स गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। शंघाई के बाद नागपुर में ही सबसे बड़ा बोइंग एयर की मेंटेनेंस एंड रिपेयर होती है। ये सेकेंड लार्जेस्ट फैसिलिटी है। इन इकोनॉमिक टर्म्स इट इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इट्स स्केल। नागपुर इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। मोर देन 400 फ्लाइट्स अ डे यहां से ही कंट्रोल होती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपको पता है नागपुर फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफिकेटेड एज एन एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर। इंडिया का फर्स्ट टेक्सटाइल मिल नागपुर में ही खोला गया था, जो द एम्प्रेस मिल नाम से जाना जाता है। नागपुर महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल होने के साथ साथ इंडिया का टाइगर कैपिटल भी है। यहाँ पे काफी सारे टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड है एंड नागपुर होस्ट रीजनल ऑफिस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नागपुर को 1703 में बुलंदशाह द्वारा बसाया गया था। बाद में ये रॉयल भोसले डायनेस्टी के अंदर आया एंड उसके बाद मराठा एम्पायर ने यहाँ पे रूल किया। नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के पॉपुलेशन करीब 3 मिलियन से भी ज्यादा है। इंडिया में पॉपुलेशन वाइज नागपुर की रैंक है 13th। यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी, इसके अलावा हिंदी एंड इंग्लिश से भी लोग बात करते हैं। अगर कल्चर की बात करें तो नागपुर में मराठी कल्चर है। यहाँ पे सबसे बड़ा फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी। इसके अलावा होली, दिवाली, ईद को भी बहुत ही धूमधाम तरीके से यहाँ के लोग मनाते हैं। नागपुर पूरे विश्व में अपना दीक्षा भूमि के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बौद्ध धर्म का एक मेमोरियल बना हुआ है जहाँ पे 5000 से भी ज्यादा लोग रह सकते हैं। ये मेमोरियल सांची के स्तूप के जैसे आकार में बना हुआ है और ये स्तूप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्तूप है। दोस्तों क्या आपको ऑरेंज खाना मतलब संतरा खाना पसंद है? अगर पसंद है तो नागपुर आपके लिए एक आइडियल जगह हो सकता है। नागपुर संतरा के लिए बहुत ही मशहूर है और इसलिए नागपुर को संतरा नगरी या फिर ऑरेंज सिटी कहा जाता है। नागपुर को महाराष्ट्र की स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है और ये इंडिया का टॉप 10 स्मार्ट सिटी में शामिल है, जहां पे शहर को अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप किया जा रहा है।
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार जिस तेजी के साथ नागपुर शहर का विकास हो रहा है, 2035 तक नागपुर वर्ल्ड का फिफ्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के लिस्ट में जगह बना लेगी विद एन एवरेज ग्रोथ ऑफ 8.42%। काफी सारे सर्वे लाइक एबीपी टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे के अनुसार नागपुर एक बहुत ही बेहतरीन शहर में से एक है। नागपुर को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सिटी रैंकिंग में लगातार जगह मिलता रहा। इसमें लिविबिलिटी, ग्रीनरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर शामिल है। इंडिया में नागपुर अकेला ऐसा शहर है जहां पे ज्यादा संख्याओं में स्टैचूज बना हुआ है। नागपुर में ही एशिया का सबसे बड़ा फायर इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस मौजूद है। दोस्तों, अगर खाने की बात करें, नागपुर में वैरायटी स्ट्रीट फूड मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है पोहा, परम की दाल, साउची, समोसा, मटका बिरयानी, पटोड़ा एटसेट्रा। नागपुर विजिट के टाइम ये सारे स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करें, ये काफी टेस्टी होती है। इफ वी टॉक अबाउट एजुकेशन, आपको पता है नागपुर की लिटरेसी रेट है 92%। यहाँ पे काफी सारे इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी मौजूद है। इसमें नागपुर यूनिवर्सिटी इंडिया का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। द वेरी फेमस डायमंड क्रॉसिंग नागपुर रेलवे में ही है, क्योंकि नागपुर शहर बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में बसा हुआ है। शहर की ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, नागपुर रेलवे इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। नागपुर बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट से पूरे देश के साथ वेल कनेक्टेड है। शहर में बसेस, ऑटोस, रिक्शा, टैक्सीज चलती है एंड नागपुर मेट्रो भी अवेलेबल है। नागपुर में मेट्रो भी है और बाकी जगह पर काम चल रहा है। नागपुर मेट्रो नागपुर शहर का एक अलग ही पहचान देती है। फरवरी 2014 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दिया था। करीब 8,260 करोड़ रुपए के लागत से नागपुर मेट्रो को बनाया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है हाल ही में नागपुर में ट्रिपल डेकर ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, जो इंडिया में पहली बार है जहां से गाड़ियां, रेल एंड मेट्रो चलती है। बहुत ही कम समय के अंदर इस प्रोजेक्ट को बनाकर इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। नागपुर की टॉप विजिटेड प्लेसेस के बारे में अगर बात करें तो फुटला लेक से लेकर सीताबर्डी फोर्ट तक, जीरो माइल स्टोन से लेके अम्बाजड़ी लेक तक, महाराजा बाग जू से लेके नेशनल पार्क तक, ड्रैगन प्लेस टेम्पल से लेके दीक्षा भूमि तक, रामधाम से लेके आम बाजारी गार्डन तक, रेल म्यूजियम से लेके गणेश टेम्पल तक, गांधीनगर से लेके मेनी मोर प्लेसेस है जहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, नागपुर बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा शहर है। शहर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ अपने नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करके रखा है, इसलिए हर एक ट्रेवलर्स के बकेट लिस्ट में नागपुर का नाम शामिल होता ही है। दोस्तों, ऑरेंज सिटी नागपुर की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ये कॉमेंट पर जरूर बताएं। होप कि नागपुर शहर को वर्चुअल एक्सप्लोर करके आपको मजा आया। अगर नागपुर के बारे में बताने में मैंने कुछ मिस कर दिया तो कमेंट पर मुझे जरूर मेंशन कर देना। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।